नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है संदीप सभी को नमस्कार अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर आपके अपने प्लेटफॉर्म पर इस सेशन के अंदर हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग को रिवाइज करेंगे और इसी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करने वाले हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं कि एस के सिलेबस में हमें क्या जानकारी दी हुई है अगर फाउंडेशन से रिलेटेड पोर्शन देखें तो उसमें बियरिंग कैपेसिटी लोड टेस्ट स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट ये गिवन है आपको फाउंडेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस या टॉपिक्स कह लीजिए जो आपको दिए हुए हैं वो इनसे रिलेटेड है तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चल रहे हैं तो हमें मतलब यह है कि शैलो फाउंडेशंस तक ही पढ़ना है शैलो फाउंडेशन ही आपको सिलेबस के अंदर दिया हुआ है चलिए शुरू करें तो so, सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की वॉट इज फाउंडेशन फाउंडेशन वो बेस है किसी भी स्ट्रक्चर का जो कि अल्टीमेटली सारा लोड ग्राउंड को ट्रांसफर करने वाला है वो फाउंडेशन है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी फाउंडेशन कौन सी होगी जो सेटलमेंट में फेल ना करे जो शेयर में फेल ना करे ग्राउंड वाटर टेबल के फ्लक्चुएशंस उसके लेवल तक ना आए जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ या फिर उसकी बियरिंग कैपेसिटी इन्फ्लुएंस ना हो तो हमारी ये इनसे रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हम बात करें सैंडी सॉइल्स की तो सैंडी सॉइल के लिए सेटलमेंट क्राइटेरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और क्ले सॉइल के लिए अगर हम बात करें तो शेयर क्राइटेरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिल सकते हैं फाउंडेशन के टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह से मेजरली क्लासीफाई किया जा सकता है इसे पहला शेलो फाउंडेशन दूसरा डीप फाउंडेशन शेलो फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जिसकी डेप्थ उसके विड्थ के बराबर या उससे कम रहती है अगर डेप्थ 15 टाइम्स इट्स विद्ध से ज्यादा अगर हो जाए तो उसे हम डीप फाउंडेशन कह देते हैं और ये क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है ये तर्जागी के अकॉर्डिंग है ये तर्जागी के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन नंबर वन नंबर है अशेलो फाउंडेशन इज डिफाइंड एज अ फाउंडेशन विच शेलो फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जिसकी डेप्थ उसकी से कम हो तो ऐसी कंक्रीट वाले कॉम्पोनेट को बोल देते हैं और फाउंडेशन किसे कहेंगे ये फुटिंग प्लस जो नीचे की सॉइल है जिस सॉइल तक स्ट्रेसेस आएंगे जिस सॉइल से हमें मतलब है ये वाली सॉइल इसकी बियरिंग कैपेसिटी इतनी हो कि ये इस स्ट्रेस को जो इस लेवल पे आएगा उसे झेल जाए तो हमें उससे मतलब है उस सॉइल को हम कहेंगे कि वो फाउंडेशन है तो फाउंडेशन में फुटिंग प्लस सॉइल दोनों ले लेते हैं और फुटिंग पर्टिकुलरली वो कॉन्क्रीट वाले कॉम्पोनेंट को बोलते हैं तो आपके पास आइसोलेटेड एक सिंगल कॉलम को सपोर्ट कर रही है तो आइसोलेटेड है स्ट्रैप फुटिंग के अंदर दो फुटिंग्स के बीच में एक स्ट्रैप बीम प्रोवाइड कर देते हैं तो ये स्ट्रैप फुटिंग कहलाती है कंटिन्यूस फुटिंग वो होती है जिसके अंदर लेंथ बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स बेड कंबाइंड फुटिंग में एक से ज्यादा कॉलम्स के लिए अगर आपने एक ही फुटिंग प्रोवाइड कर रखी है वो कंबाइंड है राफ्ट या मैट फुटिंग जब लोड बहुत ज्यादा होता है सॉइल के अंदर सेटलमेंट अनइवन होने के चांसेस होते हैं तो उस केस के अंदर हम राफ्ट फुटिंग प्रोवाइड कर देते हैं ताकि यूनिफॉर्मली वो पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो और सेटलमेंट भी अगर आए तो पूरी की पूरी राफ्ट या ये स्लैब पूरी यूनिफॉर्मली सेटल करे सभी को नमस्कार गुड मॉर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन अ हैज लो बियरिंग बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है द डिपॉजिट कंटेन्स कंप्रेसिबल लोएस अ फाउंडेशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ स्ट्रक्चर कैरिंग अ हैवी लोड विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन टाइप्स इज टू बी अडोप्टेड राफ्ट फाउंडेशन का यूज हम करेंगे राफ्ट फाउंडेशन विल बी यूज राफ्ट फाउंडेशन विल बी यूज नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट को रीड करें और फिर बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है सारे स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू तरजागी फाउंडेशन इज अ अलो फाउंडेशन इफ इट्स डेप्थ इज इक्वल टू और लेस देन इट्स विद नेक्स्ट स्प्रेड स्ट्रैप और राफ फुटिंग जो है वो शेलो फाउंडेशन के एग्जाम्पल है देन कंबाइंड फुटिंग में भी ट्रेपेजॉइडल अगर अनइक्वल लोड्स लग रहे हैं तो एंड रेक्टेंगुलर इफ बोथ द कॉलम कैरी इक्वल लोड तो आपके पास कौन कौन सी बियरिंग कैपेसिटी आती है पहली ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी ये बताती है कि टोटल लोड कितना लग रहा है एट द बेस ऑफ फूटिंग कहाँ पे बात करेंगे चैप्टर कौन सा है या सब्जेक्ट कौन सा है फाउंडेशन इंजीनियरिंग है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में मतलब है फाउंडेशन से इसका मतलब ये ग्राउंड था ग्राउंड पे जाकर के अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ग्राउंड पे जाकर के अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक्सकेवेशन करेंगे तो एक्सकेवेट करके उस लेवल तक चले जाएंगे जहां पे आपको फुटिंग लगानी है तो ये बेस ऑफ द फुटिंग है ये क्या है बेस ऑफ द फुटिंग तो एट द बेस ऑफ फुटिंग हम कंसीडर करेंगे कि टोटल प्रेशर कितना है अब वो चाहे इस फुटिंग की वजह से हो यहाँ ये जो बैक फिल प्रोवाइड कर रखा है या सॉइल फिल कर दी उसकी वजह से या इस स्ट्रक्चर का जो लोड आ रहा है उसकी वजह से तो टोटल प्रेशर जो होता है वो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी कहलाता है तो अगर स्क्वायर फुटिंग है ये फुटिंग कौन सी शेप की है अगर ये फुटिंग हमारी अगर ये फुटिंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की है तो पी लोड अगर इस पर आएगा तो पी अपॉन बी 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 स्क्वायर तो किसकी वजह से लोड हो जाएगा स्ट्रक्चर की वजह से और इस सॉइल की वजह से कितना हो जाएगा सॉइल की डेप्थ अगर डीएफ है क्योंकि डेप्थ ऑफ फुटिंग हम कह रहे हैं ना तो सॉइल की डेप्थ डीएफ अगर है तो गामा इंटू डी एफ उस सॉइल की वजह से स्ट्रेस हो जाएगा तो पी बाय स्क्वायर या वेथ ऑफ द फुटिंग का स्क्वायर प्लस गामा इंटू डी एफ नेट प्रेशर इंटेंसिटी ये बताता है हमें कि अदर देन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्टेड अदर देन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्टेड कि पहले क्या था इनिशियली क्या हो रहा था इनिशियली आपके पास अगर आप ये चाहते थे कि मैं इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर फुटिंग बनाऊंगा अपनी या फाउंडेशन मेरी यहां पे बनेगी तो डीएफ डेप्थ पे बनाना चाहते थे आप तो इनिशियली कितना प्रेशर था इनिशियल प्रेशर तो वो गामा इंटू डी एफ था इनिशियली जो लग रहा था जब आपने कंस्ट्रक्शन किया और कंस्ट्रक्शन करने के बाद ऑप्शन ए ऑप्शन ए मतलब या फिर केस ए केस वन कह लेते हैं आपने यहां पर फुटिंग बनाई फुटिंग बनाने के बाद स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका पी लोड उस पर आ गया और ये मानते हुए कि इस फुटिंग का यूनिट वेट और सॉइल का यूनिट वेट सेम है फिर से इसे प्रोवाइड कर दिया तो आपने यहां फाइनल प्रेशर कितना बताया आपने बताया कि फाइनल प्रेशर है, एक तो बी का और प्लस गामा तो नेट कैपेसिटी या नेट प्रेशर जो है वो क्या होगा नेट प्रेशर होगा कि पहले जो लग रहा था उसके अलावा कितना लगा पहले ये लगा बाद में ये लगा तो एक्सेस कितना हो गया इन दोनों का डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पी बाई बी स्क्वायर आ जाएगा तो अगर बैकफिल प्रोवाइड की है तो ये केस होगा वेन बैकफिल इज प्रोवाइडेड वेन बैकफिल इज प्रोवाइडेड अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तो बेसमेंट बनाऊंगा तो बेसमेंट में वापस से आप बैकफिल थोड़ी प्रोवाइड करेंगे एक्सकेवेट कर दिया और वैसे ही रखेंगे फिर तो अगर बैकफिल नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फाइनल प्रेशर कितना होगा उस केस में अगर यहां पर बैकफिल नहीं प्रोवाइड किया तो फाइनल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ पी बाय स्क्वायर होगा तो अब नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी जो फाइनल है माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल अब ये हो जाएगा डन समझ में आ गया तो इसीलिए इसके दो केस हैं व्हेन बैकफिल इज प्रोवाइडेड व्हेन बैकफिल इज नॉट प्रोवाइडेड अगर बैकफिल प्रोवाइड करेंगे तो यहां पे मैं अलग कलर से एक्सप्रेस कर देता हूं तो इस केस में तो क्यू नेट हो जाएगा पी बाय बी स्क्वायर प्लस गामा डी एफ माइनस गामा डी एफ ये आपस में कैंसिल पी बाय बी स्क्वायर ही बच जाएगा इस केस में क्यू नेट की वैल्यू पी बाय बी स्क्वायर माइनस गामा डी एफ हो जाएगी जब तक बाकी दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं सेकंड केस एक बार फिर से सुन लीजिए जिन्हें समझ नहीं आया सेकंड केस के अंदर हम ये कह रहे हैं कि अगर बैकफिल नहीं प्रोवाइड किया नेट प्रेशर इंटेंसिटी ये बताती है कि पहले जो लग रहा था ना उसके अलावा कितना लगा नेट प्रेशर इंटेंसिटी ये बताती है कि पहले जो प्रेशर लग रहा था उसके अलावा कितना लगा तो पहले गामा डी लग रहा था अब फाइनल पी बाय बी स्क्वायर लग रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए तो आपको ये पता लग जाएगा अदर देन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्टेड पहले जो एग्जिस्ट कर रहा था उसके अलावा आप कितना लगा फाइनल में कंक्रीट का वेट नेग्लिजिबल मान लेते हैं देखें सवाल द ग्रॉस बीरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फुटिंग इज 450 फिफ्टी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इफ द फुटिंग इज 1.5 मीटर वाइड ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी कितनी है 450। इफ द फुटिंग इज 1.5 मीटर वाइड वेथ ऑफ द फुटिंग वन पॉइंट फाइव मीटर है एंड इज एट अ डेप्थ ऑफ वन मीटर इन क्ले सॉइल विच हैज ए यूनिट वेट ऑफ ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबेन दामा ऑफ सॉइल ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर क्यू नेट बीरिंग कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगी अगर क्यू नेट कैलकुलेट करना है तो क्यू ग्रॉस जो था उसमें से गामा डीएफ माइनस कर दीजिए क्यू ग्रॉस की वैल्यू 450 फिफ्टी यूनिट्स में कंफ्यूजन है तो साथ में लिख लें गामा ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर होगा मित्र देखें प्यारे मित्रों फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो हमारे लिए काम की चीजें हैं उनके हर टॉपिक से स्पेसिफिक क्वेश्चन कर लेंगे हम तो परेशान होने की जरूरत नहीं है फाइल फाउंडेशन डी फाउंडेशन अगर आप कहेंगे तो पढ़ लेंगे वो भी लेकिन सिलेबस मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि क्या रेफरेंस दिया हुआ है एस के अंदर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का मतलब है वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर की वैल्यू जो सॉइल बियर कर सकती है वो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का मतलब कि नेट प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी सॉइल बियर कर सकती है वो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगा जैसे हम कहते हैं जैसे हम कहते हैं कि अगर स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया तो स्ट्रेंथ क्या है मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस की जो हमारी सॉइल या मटेरियल ले सकता है स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में जो डिफरेंस है वैसे ही हम कह रहे हैं कि नेट प्रेशर का मतलब कि नेट प्रेशर कितना लग रहा है नेट अल्टीमेट कैपेसिटी का मतलब कि वो मैक्सिमम वैल्यू नेट प्रेशर की जो हमारी सॉइल बियर कर सकती है ठीक है आगे चले डन देन आगे बढ़ते हैं नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी या जिसे शेयर फेलियर का क्राइटेरिया कहते हैं नेट अल्टीमेट वैल्यू जो आपके पास आएगी सॉइल जो मैक्सिमम स्ट्रेस बियर कर सकती है नेट वाला नेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा क्या क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको यह दिया हुआ होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नेवर अप्लाइड फॉर सॉइल या फिर हो सकता है स्टेटमेंट वन नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी एज पर शेयर फेलियर क्राइटेरिया इज डिफाइंड एज नेट अल्टीमेट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टेटमेंट टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नेवर यूज फॉर सॉइल या यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्योंकि यूनिट वेट ऑफ सॉइल थोड़े ना चेंज हो जाएगा तो उस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करने की जरूरत नहीं है तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे

हम कहेंगे कि सॉइल के ऊपर कितना प्रेशर आना चाहिए उतना प्रेशर आना चाहिए जिससे ना तो वो सेटलमेंट में फेल हो और ना ही वो शेयर के अंदर फेल हो तो मिनिमम ऑफ सेटलमेंट क्राइटेरिया एंड शेयर क्राइटेरिया सॉइल किस तरह से फेल होती है ये क्वेश्चन पूछ सकता है ये सी में पूछा हुआ है द टू क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउेबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन आर अलाउेबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन डिसाइड करने के दो क्राइटेरिया हैं कि ना तो शेयर में फेल हो ना सेटलमेंट में फेल हो ऑल द बेस्ट दोस्त आपका एग्जाम है तो बियरिंग कैपेसिटी को दो मेथड से पता कर सकते हैं एनालिटिकल मेथड्स और फील्ड मेथड्स जिसके अंदर एनालिटिकल मेथड जो आपके पास हैं उनमें आपको सिर्फ नाम याद रखने होंगे कि जनरल शेयर फेलियर कब होगा लोकल शेयर फेलियर कब होगा पंचिंग शेयर फेलियर कब होगा इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और बेसिक बेसिक सी बातें उनसे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन बनते हैं अगर फील्ड टेस्ट मेथड्स की बात करें तो आपका जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है प्लेट लोड टेस्ट है और स्टेटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और जो कि सिलेबस में भी वही दिया हुआ है नाम दे करके ही जब दे दिया तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी इनमें से बात करें अगर तो ग्रेवल जो है उसकी सबसे कम बियरिंग कैपेसिटी होगी लूज ग्रेवल की सबसे कम बियरिंग कैपेसिटी होगी इन गिवन ऑप्शन में से देन ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें तो वो फाउंडेशन के लिए सुटेबल नहीं है क्यों नहीं सुटेबल है क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर होता है माउंट मोरिलोनाइट जो बहुत ज्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज क्रिएट करवा देता है पानी आ जाएगा बहुत ज्यादा स्वेल कर जाएगा पानी चला जाएगा बहुत ज्यादा श्रिंकेज क्रिएट करवा देगा स्वेलिंग और श्रिंकेज को भी हम किस एस्पेक्ट से देखते हैं ये हम कॉम्पेक्शन वाले चैप्टर में जब वो ग्राफ पढ़ते हैं जिसमें ये जानते हैं कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कॉन्टेंट से ज्यादा अगर मॉइस्चर कॉन्टेंट है तो उस सॉइल में क्या होगा उस सॉइल के अंदर मतलब जो सॉइल जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पानी है अब उसको थोड़ा सा पानी और दे देंगे क्या वो स्वेलिंग शो करेगा इतनी एज कंपेयर टू उसके जिसमें बहुत कम पानी है उसको थोड़ा सा पानी दे दो आप वही एक एग्जाम्पल कि दो लोग हैं एक करोड़पति है एक स्ट्रगलर है तो अगर आप करोड़पति को एक लाख रुपए दे दोगे, तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कम मॉइस्चर कॉन्टेंट हो वो ज्यादा स्वेलिंग शो करेगी सेम अमाउंट ऑफ वाटर कॉन्टेंट देने पर एज कंपेयर टू जो साइड वाली है श्रिंकेज की अगर हम बात करें ठीक है श्रिंकेज की बात करें तो अब आप ऐसे देख लीजिए एक स्ट्रगलर था एक करोड़पति था अगले दिन रात को आठ बजे एक अनाउंसमेंट होती है कि आज से सब बराबर ठीक है सबको इक्वल मनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी सबके पैसे बराबर हो जाएंगे या सबके पास पचास पचास हजार ही बचेंगे अकाउंट्स में तो कौन ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जो स्ट्रगलर है वो या जो करोड़पति है वो तो जिसके पास ज़्यादा पानी था वो ज़्यादा श्रिंकेज शो करेगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट अगर अवेलेबल है किसी में और अब ये बोल दिया जाए कि एकदम से दोनों सॉइल को ड्राई कर दो एक ऐसी जिसमें कम मॉइस्चर था एक ऐसी जिसमें ज्यादा ज्यादा मॉइस्चर था तो श्रिंकेज कौन शो करेगा जो वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम वाला था ठीक है तो स्वेलिंग ज्यादा किसमें आती है ड्राई साइड में ज्यादा स्वेलिंग आएगी और वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम के अंदर श्रिंकेज ज्यादा आएगा अक्सर हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं एक साथ बोलते रहते हैं तो इसीलिए कंफ्यूज मत हो जाना अगर वैसा क्वेश्चन आ जाता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल का ग्रेन साइज क्या है उनकी इंटरलॉकिंग कैसी है शेप ऑफ फुटिंग क्या है साइज ऑफ फुटिंग क्या है ऑल ऑफ द अब ऑल ऑफ द अब चलो नेक्स्ट बियरिंग कैपेसिटी की बात करें तो बियरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड एनालिटिकल मेथड्स आते हैं हमारे पास पहले बहुत सारी स्टडी की गई है ऑलरेडी उनके कैलकुलेशन उनका डेटा उनका एनालिसिस हमें बताया जा रहा है और उसको हम स्टडी कर रहे हैं पहला तरीका ये है एनालिटिकल मैथड्स दूसरा तरीका कि हम फील्ड के टेस्ट करेंगे और उससे हम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जांचने की कोशिश करेंगे तो जनरल शेयर फेलियर पंचिंग शेयर फेलियर और लोकल शेयर फेलियर ये हमारे कौन से मेथड हैं

तो उसमें अगर कोई फाउंडेशन बनाएंगे तो वो क्या कर जाएगी पंच ही कर जाएगी उसके अंदर बहुत ज्यादा सेटल कर जाएगी क्या हो जाएगी उसमें पंच कर जाएगी तो पंचिंग शेयर फेलियर हो जाएगा इन जनरल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा कि अगर आपके पास एक ऐसी फुटिंग है जो शेलो डेप्थ में है और डेंस सॉइल है वहां पर तो किस प्रकार का फेलियर देखने को मिलेगा केस ऑफ फुटिंग ऑन द सर्फेस और शेलो डेप्थ

तो चार ऑप्शन दिए हुए होंगे उसमें से आपको चूज करना है कि इट इज अ दीड टेस्ट मेथड ऑफ बियरिंग कैपेसिटी प्लेट लोड टेस्ट इज ऐसे क्वेश्चन आए हैं ठीक है ऐसे क्वेश्चन आए हैं प्लेट लोड टेस्ट इज अ फिर वहां समझ नहीं आता कि हाँ क्या आंसर टिक करना है कैसा आंसर टिक करना है ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जबकि होते बहुत बेसिक क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बहुत बार ठीक है ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाते हैं कि जब हमने कोई टॉपिक पढ़ना शुरू किया उस टॉपिक के अंदर ही कोई स्टार्टिंग की बिल्कुल एक लाइन उठा करके उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए जाते हैं जैसे ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ शेयरिंग जोनस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेलियर हैव है आइडेंटिफाइड अब एग्जाम में एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो पता नहीं क्या चल रहा है कौन सा जोन पूछ लिया क्या पूछ लिया वो उस टाइम दिमाग में हिट नहीं करता है लेकिन यही जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं पढ़ रहे होते हैं तो एक बार ऐसे वर्ड्स पे ध्यान दे लेते हैं ऐसा सोच भी लेते हैं कि यार हर टॉपिक की स्टार्टिंग से एग्जाम में जनरली ऐसा होता है हर एग्जाम में तीन चार क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जाते हैं तो वैसे देखते हुए चलेंगे तो ऐसे वर्ड से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये तो आंसर आ गया जनरल शेयर फेलियर वैल्यूज याद रख लीजिएगा अच्छे से ये सारी जनरल शेयर फेलियर के कुछ कुछ खास बातें क्या पहला तो ये फाइव और रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यूज याद रखनी है जो हमें पता होना चाहिए जनरल शेयर फेलियर जो है वो ब्रिटल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शो करेगा देन फेलियर प्लेन वेल डिफाइंड होगा फेलियर प्लेन बेस ऑफ द फुटिंग के लेवल से भी ऊपर तक जाएगा यानी कि इस तरह से ये फेलियर प्लेन ऊपर तक पहुंचेगा ग्राउंड सरफेस के ऊपर बल्जिंग या हीविंग शो होगी पर soil ऐसे उठी हुई नजर आएगी फाउंडेशन के आसपास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो क्या पूछता है फुटिंग का साइज दे देगा क्वेश्चन का आंसर बताएं आप क्वेश्चन में क्या किया उसने बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दॉइल स्टेटसंग्री मीटर बाई थ्री मीटर वॉटर लोकेटेड एट्थ तो आपकी सॉइल के, मतलब के केस में हमें किस डेप्थ तक की सॉइल कंसिडर करनी है ग्राउंड लेवल से पूछे तो डेप्थ ऑफ फुटिंग और फिर इस लेवल से बेस ऑफ द फुटिंग के लेवल से जितनी फुटिंग की विड्थ है उतनी ही डेप्थ के बराबर यहां तक की सॉइल इन्फ्लुएंस होगी अब इससे नीचे चाहे कुछ भी हो इससे नीचे कुछ भी आ जाए चाहे ग्राउंड वाटर टेबल आ जाए राक्षस आ जाए पिसाच आ जाए कुछ भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा इससे ऊपर की सॉइल जो है हमारी फाउंडेशन की स्ट्रेंथ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है तो याद रखना शब्दों में फिर से इस क्वेश्चन में देखिए वन मीटर बिलो द बेस ऑफ फुटिंग सारे ऑप्शन बेस ऑफ द फुटिंग के ऑप्शन फॉर्म में ही दे रखे हैं हो सकता है कोई ग्राउंड के रेफरेंस में भी दे देता तो ग्राउंड से पूछे तो डेप्थ ऑफ फुटिंग प्लस बेस ऑफ फुटिंग विथ ऑफ फुटिंग बेस ऑफ द फुटिंग से पूछे तो विथ ऑफ द फुटिंग के बराबर इस केस में विथ ऑफ द फुटिंग कितनी है तीन मीटर तो थ्री मीटर बिलो द बेस ऑफ फुटिंग हमारा आंसर हो जाएगा डन लोकल शेयर फेलियर की कंडीशन याद रखनी है फाइ की वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए इस केस में अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं असरशन रीजनिंग टाइप या स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट थ्री वन इज ट्रू टू इज ट्रू वन इन टू आर ट्रू ऐसे करके जो ऑप्शन आते हैं थीम स्टेटमेंट देखे उसमें अगर जो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पूछेगा रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड लूज सैंडस में होता है इससे रिलेटेड फिर नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि फेलियर प्लेन डज नॉट रीच अप टू द अपू इस केस में सर्फेस के ऊपर फेलियर प्लेन नहीं रीच करता है लोकल शेयर फेलियर में स्लाइड है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा पंचिंग शेयर फेलियर अकर वेन चार ऑप्शन दिए हुए होंगे तो पंचिंग शेयर फेलियर तब अकर होता है जब बहुत ज्यादा सेटलमेंट देखने को मिल जाता है हमें बहुत ज्यादा सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा क्या पंचिंग शेयर फेलियर में

लोड लगाया कुछ नहीं हुआ लोड लगाया कुछ नहीं हुआ कोई सेटलमेंट नहीं देखने को मिली फिर थोड़ा और लोड जैसे ही लगा, लगाया तो एकदम से सेटल हो गई ऐसा नहीं हो रहा धीरे धीरे सेटलमेंट आते चले जा रहे हैं जैसे जैसे लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो एक कोई वेल डिफाइंड पॉइंट हमें नहीं मिल रहा जिस पर हमें फेलियर देखने को मिले तो इसीलिए स्टेटमेंट में अगर देखने को मिले कि पंचिंग शेयर फेलियर में क्या कोई वेल डिफाइंड पॉइंट दिखता है नहीं दिखता इसीलिए इसका ग्राफ भी आप इस तरह से देख लीजिए रिलेटिवली तो लार्ज सेटलमेंट अकर्स अंडर द फुटिंग स्टेटमेंट या इस तरह से क्वेश्चन आपसे देखने को मिल सकता है यह उन सॉइल में होगा जो बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल है कंप्रेस हो सकती हैं। ऐसी में देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं फाउंडेशन शेलो फाउंडेशन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ तरज़ागीज़ थ्योरी फाउंडेशन शेलो फाउंडेशन होनी चाहिए बेस ऑफ द फुटिंग को रफ कंसीडर किया सॉइल फुटिंग शुड बी स्ट्रिप फुटिंग ग्राउंड को हॉरिज़ॉन्टल कंसीडर किया गया लोडिंग इज वर्टिकल एंड सिमेट्रिकल, वर्टिकल और सिमेट्रिकल माना इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला कि सॉइल जो है फाउंडेशन के बीच में और इसके आसपास की जो सॉइल है इनके बीच का शेयरिंग रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दिया गया शीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल बिटवीन द ग्राउंड सर्फिस एंड द बेस ऑफ फुटिंग इज नेग्लेक्टेड कहने का अर्थ है ये फुटिंग ये ग्राउंड लेवल सॉरी ग्राउंड लेवल यहाँ पे कहीं जहाँ पे आप खड़े हुए हैं ये ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल को ऐसे डिनोट करते हैं यहाँ पे ये ऐसी शेप बना देते हैं ग्राउंड वाटर टेबल को डिनोट करते हैं एक ट्राइंगल फिर नीचे तीन ट्राइंगल ये ग्राउंड वाटर टेबल होता है सो ग्राउंड लेवल से लेकर के बेस ऑफ द फुटिंग के बीच की सॉइल का इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है यहां पे ये शेयर रेजिस्टेंस कुछ नहीं प्रोवाइड कर रही है ये मान के चलते हैं और फिर नेक्स्ट रिजम्पन क्या है कि इस सॉइल को ऐसा मान करके या तो आप ये माने कि ये फुटिंग डी एफ डेप्थ पर प्रेजेंट है या फिर आप ऐसा कहें कि ये फुटिंग तो सरफेस पे ही प्रेजेंट है बस इसके ऊपर एक सरचार्ज लग रहा है गामा इंटू डी तो ये हम कंसिडर कर लेते हैं

तो अगर ये डी एफ डेप्थ ऑफ द फुटिंग है तो गामा इंटू डी एफ इस लेवल के ऊपर सरचार्ज हो गया ना तो वो वाली टर्म क्यू एन क्यू सी एनसी क्यू एन क्यू या फिर अगर आप इसे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्यू यू का मतलब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और यहां पे क्यू का मतलब हो गया ये सरचार्ज वाली वैल्यू सो सी एन सी गामा डीएफ एन क्यू हाफ बी गामा एन गामा ये स्ट्रिप फुटिंग के लिए है फॉर्मूला ये भी हमें पता होना चाहिए स्क्वायर फुटिंग के लिए अगर आपसे पूछे तो 1.3 पॉइंट थ्री सी एन सी क्यू एन क्यू पॉइंट फोर बी गामा एन गामा तो स्क्वायर में चार साइड्स होती हैं तो यहां पे 0.4 स्क्वायर के लिए 0.4 पॉइंट ट्रिप के लिए 0.5 पॉइंट फाइव या हाफ यहां पर यूज करेंगे अब सर्कुलर बच गया सर्कुलर के लिए कितना 0.3 पॉइंट थ्री वन पॉइंट थ्री सी एन सी क्यू एन क्यू प्लस जीरो पॉइंट थ्री बी गामा एन गामा रेक्टेंगुलर या राफ्ट से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाएगा ऑब्जेक्टिव में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा वो आपको ये कह देगा केस के में तो वैल्यू दी हुई है अगर आपको वो नेट अल्टीमेट बोल देगा तो ये वाली टर्म हटा देंगे आप सेकेंड वाली ये हटी गामा डीएफ वाली टर्म देन आपके पास क्या बच गया ये बचा तो रेक्टेंगुलर या राफ्ट कुटिंग के लिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो वो नेट अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी की टर्म्स में पूछेगा तो वहां पे फॉर्मूला बन जाएगा वन प्लस जीरो पॉइंट थ्री बी बाई एल सी एन सी राफ्ट ऑफ सिक्स मीटर इंटू नाइन मीटर इज फाउंडेड एट डेप्थ ऑफ थ्री मीटर इन अ कोहेसिव सॉइल हैविंग सी इक्वल्स टू वन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कुछ मित्र ऐसे होते हैं ना गर्मियों की छुट्टियां हो दोपहर तो का टाइम हो जून जुलाई के महीने मतलब जून वाले छुट्टियों वाले महीने कब थे फिर भी अगर पढ़ाने भेज दिया जाए कोई कोचिंग सेंटर ट्यूशन सेंटर कहीं पे कुछ ग्यारहवीं बारहवीं की गणित हो जो कि एकदम टेंथ में ऐसे लगा था कि हम तो एकदम महारत ही हैं गणित के ग्यारहवीं बारहवीं में जाने के बाद एकदम से ब्रेक लग जाते हैं अरे ये सब क्या आ गया ये सब तो सोचा भी नहीं था हमने कभी फिर मास्टर जी पढ़ा रहे हैं जो लाइन मास्टर जी बोल दे रहे हैं वही हम रिपीट कर रहे हैं हाँ हाँ ऐसा ही होता है सर हाँ हाँ सर ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है हाँ सर वैसे ही अभी कुछ दोस्तों के साथ हो रहा है एग्ज़ाम टाइम आ गया है प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि इतना कुछ पढ़ने वाला पड़ा है अब मास्टर जैसे जैसे बोलता जा रहे हैं हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है हाँ सर हाँ सर ये पूछा हुआ है सर वही हमारे साथ चल रहा है तो थोड़ा सा लाइट हो जाए जब प्रेशर वाला टाइम होता है तो ज़्यादा हमें भगदड़ मचाने से कुछ नहीं होता है एकदम शांत रहें चिल सिचुएशन तो वैसे की वैसे ही रहनी है अगर हम ज़्यादा पैनिक करेंगे तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है बेनिफिट कब होगा जब हम जितना काम रहेंगे शांत रहेंगे और फिर आराम से अच्छे से डिसाइड करेंगे कि हाँ अब क्या करना है इतने टाइम के अंदर क्या बेस्ट कर सकते हैं तो उस पर ध्यान दें है ना स्ट्रेस नहीं लेना है केमिस्ट्री में होता था ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बड़ी इक्वेशन चल रही हैं उन इक्वेशन में बस जैसे सर बोल रहे हैं बस वैसे ही मुंडी हिला रहे हैं हाँ 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 यही है सर सही कह रहे हो सर हाँ एक्सेप्शन है सर बिल्कुल है सर तो देखो काम की चीज़ों पे फोकस कर लेना ज़्यादा लोड मत लेना एग्जाम की रिक्वायरमेंट और जब हम पढ़ते हैं ना जब हम पढ़ते हैं अब आपको क्या याद आ रहा होगा जो हमने डिटेल डिटेल बहुत बहुत पढ़ा वो सब की वो नहीं याद हुआ वो नहीं याद हुआ जबकि एग्जाम में स्पेसिफिक से रिक्वायरमेंट्स आती हैं हम पढ़ते हैं डिटेल में इसलिए ताकि हमें इन एंड आउट सब कुछ पता हो एग्ज़ाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जैसा कि ये है अराफ्ट सिक्स मीटर बाय नाइन मीटर इज फाउंडेड एट अ डेप्थ ऑफ थ्री मीटर डेप्थ मीटर दी हुई है सिक्स मीटर बाय नाइन मीटर है कोहेजिव सॉइल कोहेजन की वैल्यू वन ट्वेंटी किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर अल्टीमेट नेट बियरिंग कैपेसिटी अल्टीमेट नेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू एन यू बोल रहा है तो क्यू एन यू की केस में यहाँ पे एन क्यू की वैल्यू वन और ये एन क्यू माइनस वन ये वाली टर्म हट जाएगी ये वाली टर्म बचेगी वन प्लस जीरो पॉइंट थ्री बी बाई एल इंटू सी एन सी आप तो आंसर बता देते हो फटाफट अब इतने टैलेंटेड लोगों को क्या ही बताएं हम जीरो पॉइंट थ्री इंटू बी की वैल्यू सिक्स जीरो पॉइंट नाइन ट्वेंटी एनसी की वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे इस केस में एनसी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो फाइव पॉइंट सेवन कर लीजिए एट ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट ट्वेंटी पॉइंट एट आंसर 820.8, 820.8 आ गया आंसर नेक्स्ट टू फुटिंग एंड द अदर स्क्वायर एक सर्कुलर है दूसरी स्क्वायर है फाउंडेड ऑन द सर्फेस ऑफ प्योरली तो कोहेजनलेस लेस का मतलब सैंड सैंड का मतलब कोहेजन की वैल्यू कितनी जीरो द डायामीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग इज सेम एज दैट ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर फुटिंग तो अगर ये डी है तो यहाँ पे इस बी की जगह भी डी लिख सकते हैं द रेशो बिटवीन देयर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटीज तो क्यू अल्टीमेट सर्कुलर की अगर हम लिखते वन पॉइंट थ्री सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस जीरो पॉइंट थ्री बी गामा एन गामा और बी की जगह डी पुट कर देते हैं अगर क्यू एन यू स्क्वायर के लिए लिखते हैं हम तो वो वन पॉइंट थ्री डी एन सी क्यू एन क्यू पॉइंट फोर डी गामा एन गामा और बी की जगह यहां डी लिख देंगे डिवाइड कर दीजिए देखें कौन कौन सी टर्म्स हट सकती हैं इसमें से टू फुटिंग्स वन सर्कुलर दिस 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 द डायमीटर ऑफ सर्कुलर इज दिस मच इस वर्ड पे ध्यान देना है सरफेस फुटिंग जब सरफेस के ऊपर आपको बोला मतलब डेप्थ ऑफ फुटिंग जीरो हो गया डेप्थ ऑफ फुटिंग अगर जीरो हो गया तो क्यू का मतलब गामा इन टू और उसकी वैल्यू कितनी जीरो तो ये टर्म हट गई सिमिलरली ये टर्म भी हट गई कोहेजन लेस ऑयल बोला तो सी की वैल्यू कोहेजन की वैल्यू जीरो टर्म भी हट गई अब ये फर्स्ट जो लास्ट वाली टर्म्स हैं ये दोनों की बच गई लास्ट वाली टर्म्स अगर बची तो जीरो पॉइंट थ्री बी गामा एन गामा जीरो पॉइंट फोर बी गा एन गामा जीरो पॉइंट सेवन फाइव

नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की क्यू एन यू की तो क्यू एन यू की वैल्यू अगर आप कंसीडर करते सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू माइनस वन हाफ बी गामा एन गामा तो क्ले के केस में एन गामा की वैल्यू जीरो ये हट गया एन क्यू की वैल्यू वन तो वन माइनस वन ये टर्म हट गई तो सिर्फ सी एन सी के बराबर बच गई फॉर प्योरली कोहेसिव नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज डिपेंडेंट ऑनली ऑन कोहेजन तो नेट अल्टीमेट कैपेसिटी सी एन सी के बराबर है जो कि किस पे डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ कोहेजन पे डिपेंड कर रही है द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्योरली प्योरलीहेजिव सॉइल नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्योरली कोजिव सॉइल प्योरली केस में अगर हम देखेंगे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू एंड यू तो वो सिर्फ कोहेजन के ऊपर डिपेंड कर रही है डेप्थ है ही नहीं उसमें विथ है ही नहीं उसमें द मिनिमम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल अंडर अ गिवन फुटिंग अकर्स वेन द ग्राउंड वाटर टेबल इज एट अ लोकेशन जब ग्राउंड लेवल तक आ जाएगा ग्राउंड वाटर टेबल अगर ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा तो बियरिंग कैपेसिटी मिनिमम हो जाएगी उस केस में बियरिंग कैपेसिटी मिनिमम हो जाएगी हमने बात की थी ना जो तीन टर्म्स हमारे पास थी ठीक है उसी क्वेश्चन पे ही चलते हैं वो जो टर्म थी हमारे पास देखें, में अगर आप करेंगे, तो इन टर्म में फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करती है की अगर हम बात करें, तो सेकंड टर्म इफेक्ट ऑफ सरचार्ज या यूं कह लीजिए कि इस बेस ऑफ द फुटिंग से ऊपर का जो सॉइल है सेकेंड टर्म किसके लिए है इस बेस ऑफ द फुटिंग के ऊपर की जो सॉइल है तो ये सेकेंड टर्म उसके लिए है तो जब सेकेंड टर्म अगर पानी ग्राउंड लेवल तक आ गया तो सेकेंड टर्म का गामा चेंज हो जाएगा अगर पहले गामा बल्क था पहले गामा बल्क था अब उसकी जगह क्या हो जाएगा गामा सेचुरेटेड हो जाएगा अब गामा सेचुरेटेड तो टोटल यूनिट वेट के केस में यूज करते हैं अगर इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो हमें किसी भी एच डेप्थ के ऊपर तो उस केस में हम इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एच इन गामा सबमर्ज लिख देते हैं और हमें पता है कि गामा सबमर्ज छोटा ही होगा गामा सेचुरेटेड गामा बल्क इनसे आपके यहां पर ये वाली वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी ये गामा रिड्यूस हो जाएगा गामा रिड्यूस हुआ ये टर्म रिड्यूस हुई क्यू रिड्यूस हो जाएगा तो ये सरफेस पे आने से हुआ यहां पर भी अगर वाटर प्रेजेंट था तो उस केस में उसके जो थर्ड टर्म वाला गामा है वो भी इंपैक्ट हो जाएगा ये थर्ड टर्म जो होती है इसमें गामा होता है वो किसका यूनिट वेट होता है बेस ऑफ द फुटिंग से लेकर के बी डेप्थ तक जितनी फुटिंग की विथ थी उतनी ही डेप्थ तक की जो सॉइल है उसका जो गामा है तो ये गामा भी इंपैक्ट हो जाएगा इससे जब ग्राउंड वाटर टेबल आ गया यहाँ पर तो अगर ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ तक आता बेस ऑफ द फुटिंग तक तो ये थर्ड टर्म इम्पैक्ट होती फिर अगर ये सरफेस तक आ गया तो सेकेंड भी इम्पैक्ट हो जाएगी तो इसीलिए यहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी मिनिमम होगी कब जब ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर आ जाएगी तो मिनिमम मिनिमम कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी देन नेक्स्ट स्कैम्पटन बियरिंग कैपेसिटी की बात करें तो एनसी की वैल्यू 5.7 पॉइंट सेवन एन क्यू की वैल्यू वन एन गामा की वैल्यू जीरोनसी तो के बराबर आपको कंसीडर करना है बस इस सवाल में अगर स्कैमटन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको एनसी की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी एनसी की वैल्यू फाइव इंटू स्ट्रिप फुटिंग के केस के में फाइव इंटू वन प्लस जीरो पॉइंट टू डी एफ बाई बी सर्कुलर और स्क्वायर के केस में सिक्स इंटू वन प्लस जीरो पॉइंट टू डी एफ बाई बी वन प्लस जीरो पॉइंट टू डी एफ बाई बी इंटू फाइव स्ट्रिप कोटिंग के केस में अगर ग्राउंड वाटर टेबल बेस ऑफ फुटिंग पर आ जाएगी तो वहां भी गामा कम हो जाएगा हाँ टर्म इंपैक्ट होगी बेस ऑफ द फुटिंग तक तो थर्ड टर्म इंपैक्ट होगी जो हाफ बी गामा एन गामा वाली टर्म है वो इंपैक्ट होगी अगर ग्राउंड लेवल पर ही आ गया तो उस केस में सेकंड टर्म भी इंपैक्ट हो जाएगी फाइव इन वन प्लस वेट कितनी दी हुई है विथ दी हुई है आपको 1.5 मीटर एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर तो यहां से एनसी की वैल्यू आ जाएगी एनसी की वैल्यू यहां से आएगी एनसी की वैल्यू आ जाएगी सेवन Q and U will be equal to टी एन सी टी की value ट्वेंटी वन फोर्टी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 140 फोर्टी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेरिंग कैपेसिटी अगर फील्ड टेस्ट डेटा के हिसाब से हम बताएं तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट आता है हमारे पास पहला फिर आता है प्लेट लोड टेस्ट एंड देन आता है हमारा स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट ये तीन टेस्ट आते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं आप बोर होल करेंगे उस बोर होल के अंदर डेप्थ ऑफ फुटिंग पे जाएंगे डेप्थ ऑफ फुटिंग जाने के बाद आप ये जो स्प्लिट स्पून सैम्पलर है 65 फाइव वेट होता है 75 सेंटीमीटर की हाइट से फ्री फॉल से इसको गिराते रहते हैं हम तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपसे पूछता है 65 फाइव वेट फ्री फॉल 75 सेंटीमीटर इसको हिट करवाते रहेंगे जितने नंबर ऑफ टाइम ये हिट कर रहा है उसको नोट करेंगे लेकिन वो रीडिंग शुरू के 150 फिफ्टी mm पर शुरू के सेंटीमीटर पर रीडिंग नहीं ली जाती डेप्थ ऑफ़ फुटिंग नहीं लेंगे अगले तीन सौ एम एम के लिए नेक्स्ट थ्री हंड्रेड एम एम के लिए कितने एन की वैल्यू आती है वो ऑब्जर्व कर लेंगे हम रीडिंग ले लेंगे वो पेनिट्रेशन वैल्यू कंसिडर कर लेंगे नंबर ऑफ ब्लोज कितने फिर 750 फिफ्टी mm डेप्थ छोड़ करके मतलब 750 फिफ्टी mm डेप्थ के बाद जाकर के नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करेंगे उसके अंदर भी अगली 150 फिफ्टी डेप्थ पे मतलब यहाँ से टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो 150 फिफ्टी mm के लिए कोई रीडिंग नहीं ले रहे हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट 300 हंड्रेड mm की रीडिंग लेंगे आप इसके लिए एन की वैल्यू क्या है ऐसे जो एन वैल्यूज आती हैं उनका हम एवरेज कंसिडर कर लेते हैं तो वो एन नॉट वैल्यू आ जाती है उसके ऊपर दो करेक्शन अप्लाई करते हैं हम एक ओवरबर्डन का एक डायलिटेंसी करेक्शन जिनके अंदर हम इन एन वैल्यूज को करेक्ट करते हैं तो पहले एन नॉट से करेक्ट करके वो बनाई जाएगी एन वन और फिर एन वन से फिर से करेक्ट करके वो एन टू बनाई जाएगी एन वन करेक्शन जो बन करके बनेगा एन वन वो होगा ओवरबर्डन के लिए एन टू होगा डायलेशन करेक्शन के लिए वैल्यू थ्री फिफ्टी अपॉन सिग्मा प्लस सेवेंटी इन एन नॉट एन वन की एन टू की वैल्यू फिफ्टीन प्लस एन वन माइनस फिफ्टीन बाई टू आपसे एन टू की वैल्यू जो है इसे कई बार इस फॉर्म में भी पूछ सकता है कि अगर इसे फिफ्टीन प्लस एन वन माइनस फिफ्टीन बाई टू लिख सकते हैं तो आप इसे थर्टी प्लस एन वन माइनस फिफ्टीन बाई टू भी तो लिख सकते हैं या फिर इसे एन वन प्लस फिफ्टीन बाई टू से भी डिनोट कर सकते हैं इस फॉर्म में भी आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है 63.5, 65 kg इसके लगभग है। यह वेट लगभग इतना रहता है इफ द एक्चुअल रेजिस्टेंस एन इज ग्रेटर इन फाइन सैंड लेयर बिलो वाटर टेबल देन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस विल बी तो फिफ्टीन प्लस एन माइनस फिफ्टीन बाई टू इफ वाटर टेबल इज एनकाउंटेड इन द स्टैंडर्ड बेट वाइल कंडक्टिंग प्लेट लोड टेस्ट वाटर टेबल अगर आ जाएगी प्लेट लोड टेस्ट करते हुए तो आप डी वॉटरिंग करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे वॉट इज द ड्राइव वेट एंड हाइट ऑफ री फॉल इन केस ऑफ स्टैंडर्ड पेन्यूट्रिशन टेस्ट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टू वन थ्री वन तो वेट कितना कंसिडर करते हैं सिक्सटी फाइव के जी के आसपास और सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर फ्री फॉल की हाइट फिर एन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग अब ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कई बार एग्जाम में ये भी देखने को मिल जाते हैं ई एस सी में देखने को मिला था कि आपके पास अगर सैंडी सॉइल है कुवेजन लेस सॉइल है तो उसकी एन वैल्यू और फाई के बीच में रिलेशन और फिर वो किस प्रकार की सॉइल है उसे हम क्लासिफाई कर देते हैं तो अगर एन वैल्यू लेस देन फोर आती है तो वो वेरी लूज सॉइल है टू मतलब बहुत कम बार हिट करने पे वो 300 mm का पेनिट्रेशन मिल गया आपको तो मतलब लूज सॉइल है बहुत ज्यादा बार पचास बार से ज्यादा अखबार उसको हिट किया तब जा करके आपको वो पेनिट्रेशन मिला तीन सौ एमएम का तो मतलब वेरी डेंस सॉइल है तो ये रिलेशनशिप हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर फोर टू टेन के बीच में एन वैल्यू है अगर एन वैल्यू फोर टू टेन के बीच में है तो उस सॉइल को क्या बोलेंगे लूज बोलेंगे टू के बीच में अगर है तो उस को क्या बोल देंगे मीडियम सॉइल बोल देंगे तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कोहेसिव सॉइल के लिए बात करें तो फिर उनके बीच में रिलेशनशिप ऐसे कि अगर एट टू फिफ्टीन है तो फिर उसे कैसी सॉइल बोलेंगे तो एट टू फिफ्टीन के लिए स्टिफ बोल देंगे तो इस तरह का डेटा बेस्ड क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ फील्ड कॉम्पैक्शन ट्रूली रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टैंडर्ड्यू एन करेक्टेड अगर ट्वेंटी तो कर तो वो कैसी हो गई मीडियम हो गई आपको ये दे दिया ये करेक्टेड वैल्यू अगर ट्वेंटी सेवन है तो ट्वेंटी सेवन किसके बीच में लाई कर रहा है टेन टू थर्टी के बीच में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो याद रखिएगा हो सकता है जैसे ई में ये क्वेश्चन आया हो सकता है एज इट इज एस में देखने को मिल जाए बहुत दुख है जीवन में ये भी याद करो वो भी याद करो सब याद कर लो ना बहुत दुख है किसी को याद करना मुश्किल है तो किसी को भुलाना द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस वैल्यू ऑब इन अ डीप डिपॉजिट ऑफ सैंड एट अ डेप्थ ऑफ सिक्स मीटर वॉज ट्वेंटी वैल्यू आपको दे रखिये ट्वेंटी एट फिर यूनिट वेट ऑफ सैंड एटीन न्यूटन पर मीटर क्यूब करेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज फॉर ओवरबर्डन प्रेशर एन वन की वैल्यू आपसे पूछी है तो ओवरबर्डन प्रेशर खुद देखना होगा नेक्स्ट टेस्ट दोस्त कल ही अपलोड हो जाता है उसमें कुछ इश्यू चल रहा है वो बहुत ही टायर सम सी चीज है बार बार एक एक ऑप्शन जो है वो अपलोड हो रहा है फिर चेक हो रहा है उसमें तो थोड़ा वो उसमें डिले हो गया आज अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट टेस्ट आपका चलो देखें थ्री फिफ्टी अपॉन सिग्मा ट्वेंटी और एटीन एटीन इंटू सिक्स प्लस सेवेंटी इंटू औरिजिनल वैल्यू क्या थी ट्वेंटी एट आंसर आएगा फिफ्टी फाइव नेक्स्ट स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इन वेरी स्टिफ लाइज बिटवीन, वेरी स्टिफ क्लेज लाइज बिटवीन वेरी स्टिफ क्ले पे चलते हैं पहले तो वेरी स्टिफ कले वेरी स्टिफ क्ले के लिए फिफ्टीन से थर्टी इसके लिए वेरी स्टिफ कले वेरी स्टिफ क्ले के लिए फिफ्टीन से थर्टी के बीच में डन ऑब्जर्वड एन वैल्यू ऑफ एन एसपीटी टेस्ट इज ट्वेंटी वन आफ्टर करेक्टिंग फॉर डायलिटेंसी इज एन टू की वैल्यू बतानी है मतलब आपको आग लगानी है मार्केट में क्या किया जाए ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं आप आप कौन सी आग की बात कर रहे हैं आग वग मत लगाओ दोस्त ये आपके पास फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन हो जाएगा नेक्स्ट, इफ एसपीटी टेस्ट गेव द एवरेज आउट ऑफ थर्टी टू इन फाइन सैंड बिलो वॉटर टेबल देन वॉट इज द करेक्टेड वैल्यू ऑफ ब्लोक आउट यानी कि डायलिटेंसी करेक्शन आपको बताना है वाटर टेबल के लिए वाटर टेबल आ जाएगी तो डायलिटेंसी बताना है ओवरबर्डन करेक्शन बताना है तो एन बन यहाँ टू कैलकुलेट करना है कंप्लीट टेस्ट सॉल्यूशन कहां मिलेंगे टेस्ट सॉल्यूशन दोस्त जैसे ही टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसके बाद ही आपको उसके एनालिसिस इनकरेक्ट करेक्ट वाले वहीं पे मिल जाएंगे वहीं ऑप्शन आए वाटर टेबल जब भी बोले तो डायलिटेंसी करेक्शन अगर आपको ये बोले जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने एक किया था कि 6 मीटर डेप्थ नीचे सॉइल का यूनिट वेट इतना तो उस केस में ओवरबर्डन करेक्शन वाटर टेबल जब भी गिवन हो तो आपको टू कैलकुलेट करना है जो कि हो जाएगा आपका फिफ्टीन प्लस एन वन माइनस फिफ्टीन बाई टू फिफ्टीन प्लस एन वन की वैल्यू थर्टी टू माइनस फिफ्टीन बाई टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव नेक्स्ट लोड टेस्ट इज यूज टू डिटर्मिन लोड टेस्ट का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं बियरिंग कैपेसिटी पता करने के लिए और फाउंडेशन का रिलेटेड पूछते हैं अगर हमें ये पता लग जाए ना कि यही क्वेश्चन है ये पूछता है ये आया हुआ है तो फिर उसके बाद है क्या पढ़ना फिर तो आसान लगेगी ना चीजें जैसे बचपन में जो क्वेश्चन स्कूल में हमें मैम करवा देते थे मैम या सर वही तो एग्जाम में एज इट इज आते थे वहां तो कुछ ऐसा चेंज नहीं होता था ना सेम क्वेश्चन जो क्लास में करवाया एज इट इज एग्जाम में आता था उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि हां आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्लेट्स हम यूज करते हैं थर्टी से लेकर के सेवेंटी फाइव mm, एम एम सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर साइज की उनकी कम से कम थिकनेस कितनी होनी चाहिए पच्चीस एम एम होनी चाहिए यही तो क्वेश्चन आएगा फिर क्वेश्चन आएगा प्लेट लोड टेस्ट बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट पता करने के लिए करते हैं एक क्वेश्चन आएगा कि अगर कोहेजन लेस सॉइल है सैंडी सॉइल है कैसी सॉइल है कोहेजन लेस सॉइल है तो उस केस में सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन अपॉन सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू यहाँ पे एस लिखा एस लिखा नीचे तो यहाँ बी और बी लिखेंगे अब उनको इंटरचेंज कर दो तो ऊपर बीपी प्लस जीरो पॉइंट थ्री नीचे बी एफ प्लस जीरो ब्रैकेट के बाहर पावर टू अगर अपॉन ऑफ प्लेट सिंपल बस इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल फॉर डिटरमाइनिंग द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी रिकमेंडेड साइज ऑफ स्क्वायर बेयरिंग प्लेट यूज्ड इन प्लेट लोड टेस्ट इज थर्टी टू सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर अब हमें लगेगा ये पता नहीं क्या दे दिया ये वही तो है जहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है बियरिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन फील्ड डेटा प्लेटलोड प्लेट ऑफ साइज थर्टी टू सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर यही तो लिखा है 30 से 75 कितनी यूज करेंगे मिनिमम थिकनेस ट्वेंटी नेक्स्ट थ्री हंड्रेड एम एम स्क्वायर बियरिंग प्लेट सेटल

या जो सॉइल है इस केस में फार्मूला क्या होता है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन अपॉन सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू ऑफ़ फाउंडेशन अपॉन विथ ऑफ प्लेट तो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन जो इसकी यूनिट वो इसकी यूनिट और जो यहाँ पुट करेंगे उसकी इसकी यूनिट आ जाएगी जैसे विर्थ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन अगर एक मीटर लिखा आपने तो प्लेट की वेथ कितनी है तीन सौ एमएम तो प्लेट की वेथ कितनी लिखेंगे जीरो पॉइंट थ्री जीरो जीरो मीटर मल्टीप्लाइड बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट प्लेट का सेटलमेंट फिफ्टीन एम एम तो यहां फिफ्टीन एम mm में लिख देंगे ये मीटर ये मीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे आंसर क्या आएगा

प्रेशर की वैल्यू जो आपको बता रहा है ना वो सेम ही बता रहा है अगर 4.5 पॉइंट किलो न्यूटन का लोड लग रहा है 0.3 पॉइंट थ्री बाई जीरो मीटर की प्लेट के ऊपर तो इसकी इंटेंसिटी देखिए आप जो कि किसके बराबर आएगी 200 किलो न्यूटन अगर प्रेशर लगता डिवाइडेड बाय टू इंटू टू इस पर दोनों की प्रेशर इंटेंसिटी क्या सेम आ रही है फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो नाइन तो वो फिफ्टी आई टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर तो ये भी फिफ्टी तो इंटेंसिटी तो वही है ना फिफ्टी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहां भी फिफ्टी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब यह देखना है आपको सैंडी सॉइल है कौन सी सॉइल है सैंडी सॉइल सैंडी सॉइल के केस में और सैंडी सॉइल या जिसे हम कोहेजन लेस सॉइल कहेंगे सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन अपॉन सेटलमेंट ऑफ प्लेट विर्थ ऑफ फाउंडेशन ऑफ़ प्लेट फिर इनटू ये इंटरचेंज करेंगे बताएं आंसर विथ ऑफ द फुटिंग विथ ऑफ फुटिंग आपको दे रखी है टू मीटर विथ ऑफ प्लेट जीरो पॉइंट थ्री इन टू विथ ऑफ प्लेट जीरो पॉइंट थ्री ये मीटर में पुट करने हैं आपको ये टू प्लस जीरो पॉइंट थ्री हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर पावर टू इनटू सेटलमेंट ऑफ प्लेट इस तरफ ले आए जो इन सब की यूनिट मीटर में पुट की है, आपस में सारी कैंसिल हो जाएगी और सेटलमेंट आपने ट्वेल्व एम एम बताई सेटलमेंट ऑफ प्लेट सॉल्व करेंगे आंसर आएगा थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री एम एम थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री एम एम ने साइट यूजफुल इन दुएन ऑफ बीरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट इट इज नॉर्मली कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ प्रपोज फाउंडेशन ठीक लग रही है बात जहां पर प्रपोज किया गया है ये ग्राउंड लेवल था और आपके बिल्डिंग बनने वाली है और उस बिल्डिंग का जो फुटिंग का लेवल होगा यहाँ आकर के वो फुटिंग बनाई जाएगी तो इसी प्रपोज्ड लेवल ऑफ फाउंडेशन पे आप टेस्ट करेंगे प्लेट लोड टेस्ट इज रिलायबल बिकॉज़ इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू बिहेवियर ऑफ फाउंडेशन स्ट्रेटम बिलो द प्रपोज्ड लेवल ऑफ फाउंडेशन एंड एक्सटेंडिंग अप टू लार्ज डेप्थ बिलो एक्सटेंडिंग अप टू लार्ज डेप्थ बिलो क्या ये लार्ज डेप्थ सही है ये वाले टर्म सही नहीं है ये लार्ज डेप्थ सही नहीं है लार्ज डेप्थ की जगह ये बोल सकते हैं कि कहां तक बता सकता है अप टू अपटूस द ऑफ प्लेट जितनी प्लेट की वेट है ना उसके ट्वाइस डेप्थ तक तो बता सकते हैं उससे आगे नहीं कह सकते उससे आगे नहीं कह सकते नेक्स्ट क्वेश्चन इस सवाल के अंदर ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है हमने तो लिखा था अगर हम फॉर्मूला ये एक्सप्रेस करते हैं एस एफ अपॉन एस पी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बीपी ब्रैकेट में बीपी प्लस जीरो पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाय बी एफ प्लस जीरो पॉइंट थ्री पूरे ब्रैकेट के बाहर पावर टू ये फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो उस केस में तो इन्हें मीटर में पुट कर रहे हैं हम इधर तो किसी में भी पुट कर दीजिए कैंसिल हो ही जाएगा यहां पे अगर मीटर में पुट कर रहे हैं तो जीरो पॉइंट थ्री अगर सेंटीमीटर में पुट करेंगे आप इसे तो यहां थ्री हंड्रेड थर्टी इस क्वेश्चन में बी एफ यूनिट सेम रख दीजिए पे BP, अगर मीटर में लिखा है आपने तो जीरो पॉइंट थ्री सेंटीमीटर में लिखा है तो थर्टी लिखेंगे यहां जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं ये कौन पढ़ेगा नेक्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्योंकि आपको सेंटीमीटर में ये वैल्यूज दे रखी हैं ये सेंटीमीटर के अंदर सारी चीजें सेंटीमीटर में गिवन है इन लो टेस्ट ऑन सैंडी सॉइल के केस में सेटलमेंट पांच एमएम का दे रखा है होमवर्क सैंड का क्ले का दोनों का एग्जांपल हम कर चुके ये होमवर्क में करना है आपको खुद से

तीन सौ एम एम की डेप्थ दे दी फिर उसके बाद साढ़े सात सौ एम एम के बाद नेक्स्ट टेस्ट फिर उसके बाद एक सौ पचास एम एम की वैल्यू छोड़ करके फिर तीन सौ एम एम की डेप्थ की रीडिंग्स ली एंड सो ऑन तो कंटिन्यूस रीडिंग नहीं दी लेकिन इस केस में कंटिन्यूस रीडिंग पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये जो कोन हम यूज करते हैं इसका टॉप एरिया कितना होता है इसका टॉप एरिया होता है टेन सेंटीमीटर स्क्वायर इस कोन का एपेक्स एंगल कितना होता है इस कोन का एपेक्स एंगल होता है सिक्सटी इस डिग्री इसे किस रेट से ग्राउंड में पुश किया जाएगा ट्वेंटी एम एम पर सेकेंड की रेट से पुश किया जाएगा अपू अ डेप्थ ऑफ हंड्रेड एम एम डेप्थ ऑफ 100 एम mm. एम mm. ये पूछेगा आपसे यूज कर सकते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंडर्ड पेन्यूट्रीशियन टेस्ट इज कंडक्टेड बाई पुशिंग अकोन इन टू दॉइल एट द रेट ऑफ टू सेंटीमीटर पर सेकेंड तो टू सेंटीमीटर पर सेकेंड कह लीजिए या ट्वेंटी एम एम पर सेकेंड कह लीजिए वन एंड द सेम थिंग

आपको कौन टेस्ट कौन सा दिया एस सी पी टी एस सी पी टी लिखा हुआ होना चाहिए था लेकिन यहाँ एस पी टी लिखा हुआ है यहीं पे कन्फ्यूज हो जाते हैं यहीं पे हम कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट आपको इसमें दिया हुआ है इस वजह से ये गलत है बाकी स्टेटमेंट तो दिखने में सही लग रहे हैं लेकिन इसकी वजह से यह गलत हो गया टेस्ट कौन सा था हमारा स्टैटिक कौन पेनिट्रेशन टेस्ट था एस सी पी टी था जिसमें ये वैल्यूज हो रही थी लेकिन फटाफट पढ़ते हैं तो इतना ध्यान नहीं जाता यहां पे होना था स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट डेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट द कोन यूज्ड हैज एन एपेक्स एंगल एपेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री बेस एरिया टेन सेंटीमीटर स्क्वायर द टेस्ट गिवीन्यूस रिकॉर्ड ऑफ कॉन रेजिस्टेंस बोथ फन एंड टू आर करेक्ट यही तो प्रॉब्लम है टेस्ट में बहुत गलत हो जा रहा है तो दोस्त एज पर सिलेबस अगर हम बात करें तो यही वैल्यूज थी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से रिलेटेड क्या क्या, -क्या क्वेश्चन हो सकते हैं

और सब्जेक्ट क्या होगा वो भी अभी थोड़ी देर में अपडेट आपको मिल जाएगी थैंक यू सो मच सी यू अगैन टेक केयर बाय बाय